संभल के गुन्नौर में लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संगमित्रा मौर्य ने सभाएं की। इन सभाओं में संगमित्रा ने जहां सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं उनके बिगड़े बोल भी सामने आ गए। सभा में उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा की सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है और बहन और बेटियों की कोई जाति नहीं होती है। बहन सबकी बहन होती है और बेटी सबकी बेटी होती है। इसलिए जाति पाति को छोड़ करके अपनी बहन के लिए वोट मांगिए, कमर कस लीजिए। ये आपकी आज से जिम्मेदारी बनती है। ये अपना आशीर्वाद दीजिए और अन्य लोगों का भी आशीर्वाद अपने इस बेटी को दिलाइए। और यदि आपके बीच में कोई दादागिरी करने आता है, गुंडागर्दी कराने आता है, तो उससे भी आप मत करिएगा कि उन गुंडों से भी बड़ी गुंडी संगमित्रा मौर्य बन जाएगी। अगर किसी ने यहाँ पर आप मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ये संगमित्रा मौर्य उससे भी बड़ी गुंडी बन जाएगी। संगमित्रा मौर्य, संगमित्रा मौर्य, आप सब निडर बिना किसी से डरे हुए वैसे ही लोगों ने चलाना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी दबंग संगमित्रा मौर्य, जब लोगों ने चलाना शुरू कर दिया है तो आप मान लीजिए कि आपकी बेटी आपकी बहन दबंग है और ये वही दबंग है जो 2014 में मैनपुरी लोकसभा से चुनाव लड़ी थी। तो माननीय नेता जी को मैनपुरी के साथ आजमगढ़ भी पर्चा भरने पर मजबूर कर दी थी क्योंकि माननीय नेता जी को डर हो गया था कि कहीं वो मैनपुरी की सीट हार ना जाए, इसलिए वो उसके बाद आजमगढ़ भी चले गए थे। हालांकि बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से उन्होंने सीट जीत जरूर लिया, लेकिन उनकी हालत भी खस्ता आपकी इस बेटी ने ही किया। तो जब पिता की हालत खस्ता हो सकती है तो भतीजा किस खेत की मिली। तो